गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं हूँ योगेश कुमार जाहिरे। आज हम यूनिट 3 पे डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में। तो जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे एक हॉस्पिटल और एक कम्युनिटी पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे उसका फंक्शन रहता है, तो सारा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो जो हॉस्पिटल्स में क्या रेशियो होता है, एक स्टाफ का क्या कैसे वर्क करते हैं, तो हमको इस के लिए हमको बहुत जानना ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में स्टाफ कितने होना चाहिए, कितने वार्ड होने चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारा चीज़ आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल क्या होते हैं, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे चलते हैं हॉस्पिटल। ओके, तो ये हॉस्पिटल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल ए मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। द फंक्शन ऑफ ईच इज टू प्रोवाइड फॉर ए पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, एंड वॉज आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट टू द फैमिली एंड इट्स होम इन्वायरमेंट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक हॉस्पिटल क्या होता है, कि इंटेग्रल पार्ट होता है, जिसमें जो सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, है ना, दोनों को भी, क्यूरेटिव भी और प्रिवेंटिव भी। जो भी पेशेंट रहता है, जो आउट पेशेंट सर्विसेज है, उनको भी क्या करते हैं, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या तो फैमिली के अकॉर्डिंग, या कोई भी, या होम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हॉस्पिटल के, फॉर क्योर, फॉर केयर एंड सपोर्टिव सब सिस्टम। तो फर्स्ट है फॉर क्योर में डायग्नोस्टिक सब सिस्टम, सेकंड है थेरेप्यूटिक सब सिस्टम। ओके, तो डायग्नोस्टिक सब सिस्टम में क्या होता है, जो मेन हॉस्पिटल का मेन वर्क रहता है, कि उस पर जो भी डिसीज़ है या कंडीशन है उसको क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, ताकि जो भी डिसीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो क्या हो सके, हमको पता चल सके कि उनको क्या नीड है। ओके, देन थेरापेटिक सब सिस्टम क्या होता है, तो जो भी थेरापेटिक सब सिस्टम जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि सब बहुत अच्छे से हो सके। ओके, तो हमको बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि थेरापेटिक सब सिस्टम होता क्या है, और कि हम उसको कैसे इन्वॉल्व करते हैं, और कैसे उसको थेरेपी के अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। ओके, देन फॉर केयर नर्सिंग सब सिस्टम। तो जो भी हॉस्पिटल जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारा चीज़ हम केयर प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग, है ना। तो जितने भी वहाँ पे हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना अपना एक वार्ड के अकॉर्डिंग, एक जो भी नीड रहता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो वो केयर प्रोवाइड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, पॉइंट बी नोटेड। ओके, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये नर्सिंग केयर कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सपोर्टिव सब सिस्टम अदर्स एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंटल टेक्निकल सोशल। तो जो भी हमारा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो भी क्या करता है, जितने भी मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, वो भी क्या करते हैं, उस पर एक इन्वायरमेंटल टेक्निकल और सोशल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो भी सपोर्ट करते हैं, ताकि सबको अच्छा से केयर मिल सके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल्स है, अगर मैनेजमेंट बहुत सॉफ्टली अच्छे से वर्क कर रहा है वहाँ का, तो बहुत अच्छे से वहाँ का केयर और क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिलीवर केयर इक्वली। ओके, तो जो भी
हॉस्पिटल्स है वो क्या करता है, केयर सभी को इक्वली केयर करते हैं ना, बराबर है ना, सबको एक समान केयर करते हैं, जितना नीड रहता है उतना सबको करते हैं। क्योर इलनेस, ओके, तो जो भी इलनेस रहता है, जो भी प्रॉब्लम्स रहता है, उसको क्या करते हैं, उनको भी ये अपना प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। ओके, अर्ली डिटेक्शन, तो जो भी हॉस्पिटल्स में अर्ली डिटेक्शन है उसको भी क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि बहुत लोग को जो भी केयर है वो अच्छे से मिल सके। देन मेंटेन क्वालिटी केयर, ओके, तो जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट रहता है वो अपना कैसे क्वालिटी केयर मेंटेन करके रखते हैं, कैसे उनको प्रोवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं बहुत जो भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं ना, जैसे कि बिलासपुर में अपोलो BSR हॉस्पिटल है ना, और जो भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एक मैनेजमेंट का, जो भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उनका बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। ओके, तो जो भी, देन लीडरशिप, तो लीडरशिप क्या होता है, जो लीडरशिप करते हैं, तो हम एक हेड होता है वो क्या करता है, एक लीडिंग करता है, जितने भी हॉस्पिटल्स रहते हैं वो बहुत सारे लोग को क्या करते हैं, वो अपना केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, तो जो भी लीडरशिप होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है, कि जैसे हम एक लीड करना है किसी हॉस्पिटल को, हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड हैं ना, HR, तो HR का मेन वर्क रहता है कि वो कैसे जितने भी वार्ड रहते हैं तो उनको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है रिसर्च। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे नया नया चीज़ का क्या होता है, रिसर्च करते हैं। ओके, तो उस रिसर्च पे हम बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि हम कैसे उसको केयर प्रोवाइड करना है, कैसे सीखना है, कैसे लर्न करना है, कैसे मेडिकेशंस करना है, तो बहुत सारा चीज़ वो क्या हो करते हैं, धीरे धीरे हम उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं कि हमको जो भी क्वालिटी रहता है, जो भी केयर है, वो कैसे हम मेन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है प्रमोटिव हेल्थ। ओके, तो नेक्स्ट है प्रमोट हेल्थ, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है कि कितना जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं। ओके, देन क्रिएट अवेयरनेस, जो भी अवेयरनेस है, जो भी प्लानिंग है ना, तो अपना एक क्रिएटिव करते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपना अवेयरनेस बताना, है ना, अगर किसी को नॉलेज नहीं है किसी के बारे में, किसी डिसीज़ के बारे में, तो हम क्या करते हैं, उसका एक अवेयरनेस को हम दूर करते हैं। ओके, देन पैलिएटिव केयर, ओके, तो जो भी केयर है ना, पैलिएटिव पूरा हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ताकि जो हॉस्पिटल्स है वहाँ के इंचार्ज हैं, जो उनको बहुत अच्छे से कर सके। ओके, देन नेक्स्ट है पेशेंट सेटिस्फैक्शन, हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनको जो केयर प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, तो उनका कौन सा रिस्पांस कर रहे हैं, कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन कैसा है ना, अगर अच्छा केयर किया है तो हम उनका क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं बहुत, है ना, ताकि जो हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट है वो प्रॉब्लम्स को और अच्छे से और कर सके, ताकि हम अच्छा से इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी हमको बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, कि एक हॉस्पिटल्स में कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है और कैसे एक प्रोफेशनली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपना वर्क कर सके, जो भी स्टाफ्स हैं वो अपना 100% अपना केयर करने के लिए एक एबल हो सके। ओके, तो इसीलिए जो भी मैनेजमेंट रहता है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वो अपना कैसे करते हैं, कि एक ट्रेनिंग करते हैं, देन उसको और अच्छे इम्प्रूव करने के लिए उनको एजुकेशन देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, तो जो भी हॉस्पिटल्स रहता है, जो भी
मैनेजमेंट रहता है वो क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कि उनको बार बार प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि वो अच्छे से अपना क्रिएटिव केयर प्रोवाइड कर सके। एक स्टाफ्स हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो मैनेजमेंट का मेन वर्क रहता है कि वो अपना जो भी सिचुएशंस है उसको एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सके, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ हॉस्पिटल्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल्स। ओके, तो एक स्टाफ का, एक नर्स का, एक डॉक्टर्स का बहुत स्कोप ऑफ हॉस्पिटल, तो क्या क्या स्कोप है हॉस्पिटल का हम देखते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेटेड टीम अप्रोच, होलिस्टिक केयर, कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर, इंटीग्रेटेड केयर, एविडेंस बेस्ड केयर, कंटिन्यूस केयर। ओके, तो मेन स्कोप यही है कि जो कोऑर्डिनेटेड टीम होता है, ओके, जो टीम है वो एक कोऑर्डिनेशन पे क्या करता है, एक वर्क करता है। जैसे कि हॉस्पिटल में सबका एक साथ तो ड्यूटी नहीं लगा सकते ना, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, उनका अलग अलग एक शिफ्ट वाइज क्या करते हैं, उसको टीम अप्रोच के अकॉर्डिंग मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट, देन नाइट शिफ्ट, तो तीनों शिफ्ट में कैसे उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, जो इंचार्ज रहते हैं। ओके, धीरे धीरे जानेंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, होलिस्टिक केयर। ओके, तो जो भी होलिस्टिक केयर है, जो हॉस्पिटल्स में हम एक केयर प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छा, इसमें हम अपना नेचर से, बिहेवियर से, इसमें सब इंक्लूडेड रहता है, है ना, होलिस्टिक केयर। ओके, तो जो भी हम इम्पोर्टेंस देना है कि सबको प्रॉपरली हम मेंटेन करके रखें, है ना, सबको केयर कर सके। ओके, द नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर। तो ओके, तो स्पेशलाइज्ड केयर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होता है, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशलाइज्ड केयर। जैसे कि आईसीयू और जो सीसीएनसीयू, बहुत सारे जो इंटेंसिव केयर होते हैं, है ना, जो यूनिट होता है हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप के पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी एक्सपीरियंस स्टाफ से। ओके, तो ये क्या है, हमको याद रखना है, है ना, स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड केयर। ओके, तो हमको इंटीग्रेटेड केयर भी प्रोवाइड करना है, ताकि सबको अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके, ताकि हमारा जो रोल है बहुत मायने रखता है, है ना, हॉस्पिटल्स में हम कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे उसका नेचर है, कैसे एक बिहेवियर है, हम उसको कैसे हम मेंटेन करके रखना है। ओके, देन एविडेंस बेस्ड केयर। ओके, तो जो भी एविडेंस मतलब साक्ष्य। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, बहुत बेस्ड हम केयर प्रोवाइड करना है, ताकि अच्छे से केयर हम कर सके एक पेशेंट का, ताकि वो अपना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम कर सकते हैं बहुत एविडेंस बेस्ड केयर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हम जो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है कंटिन्यूस केयर। तो कंटिन्यूस केयर जो क्या होता है, कंटिन्यू हम जो रिहैबिलिटेशन देते हैं, है ना, केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंटिन्यू हम उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, और उसका कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स कैसे होता है, फर्स्टली एक रिसेप्शन होता है। ओके, तो रिसेप्शन के बाद में कैसे एडमिट करते हैं, है ना, रिसेप्शन में पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो आप भी कभी हॉस्पिटल गए होंगे, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हमको पता चलता है कि फर्स्टली रिसेप्शन है, ओपीडी है, कंसल्टेंट रूम होता है, देन आईपीडी एंड डिस्चार्ज। तो इसको हमको जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे वर्क कैसे करना है तो हम देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट है कि रिसेप्शन में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमको कौन सा वार्ड पे क्या चेक कराने जाना है, तो हम वहाँ पे रिसेप्शन से पूछते हैं। देन ओपीडी में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसी भी पेशेंट का एडमिशन कराना है कि क्या करना है, है ना। तो कंसल्टेशन रूम है,
OIPD है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो जो कंसल्टेशन रूम है वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट लेते हैं, देन उनको एडमिट करते हैं या नहीं करते। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन फंक्शंस होता है। आपको बस एक ऑर्गेनाइजेशन टीम के अकॉर्डिंग आपको सोचना है ना। जो जो भी जैसे कि एक नर्सिंग कॉलेज है, तो नर्सिंग कॉलेज में भी हम वैसे ही करते हैं एडमिशन रिसेप्शन, है ना। तो आपको एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे, तो आपको याद रखना है इसको, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। हायरार्की ऑफ हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल्स है उसका हायरार्की क्या होता है, कैसे वहाँ पे स्टाफ रहता है ना, तो उस पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ओके, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हेड है ना, जैसे कि जहांगीर है एग्जांपल, तो जहांगीर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CMO है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ओके, NS नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, DNS डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, तो ये क्या है, NS है, है ना, तो उनको भी हमको देना है। हेड नर्स है, वार्ड इंचार्ज है, स्टाफ नर्स है, फोर्थ क्लास वर्कर। ओके, तो जितना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वर्क करते हैं कि कैसे वो अपना एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन पे वर्क करते हैं। ओके, द नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं नर्स पेशेंट रेशियो, तो जो एरिया होता है और उस पे रेशियो कितना होता है देख सकते हैं। टेक्निकल हॉस्पिटल में 1:1:5। ओके, 1:5 में क्या होता है, एक स्टाफ पे 5 पेशेंट रख सकते हैं। ओके, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल 1:3, जनरल वार्ड 1:6, स्पेशल वार्ड 1:4, SNCU 1:2, ICU 1:1, मेजर OT, माइनर OT, यहाँ पे बहुत सारा वार्ड दिया हुआ है, वो बहुत सारे देख सकते हैं ना। कैजुअल्टी पे 1:100 है, OPD पे 1:100, CNO है ना 1:500, NS 1:400-500, DNS 1:300, ANS 1:200-150, वार्ड इंचार्ज 1:25-30। तो क्या है, बहुत सारे इस पर हम वर्क करते हैं कि देखते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, और मेन फंक्शंस होता है CNO का, चीफ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है, डिलीगेटिंग है, एलोगेशन है, असाइनमेंट्स, रिक्रूटमेंट, कंट्रोलिंग, सुपरविजन। तो एक जितना भी होता है ना, जो मेडिकल्स है वहाँ पे जो वर्क होता है, तो कर सकते हैं वहाँ पे, कैसे वो अपना देखते हैं फंक्शंस हैं। आपको फंक्शंस याद करना पड़ेगा और पॉइंट्स वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स है ना। ओके, और बहुत सारे पॉइंट्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं ऑनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, कॉरपोरेट, वॉलंटरी, लेंथ ऑफ स्टे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइसेंस टू ट्रीट, जनरल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, साइज, टीचिंग 500, डिस्ट्रिक्ट 200, तालुक 50, PSC 10, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन कम रिसर्च, जनरल, स्पेशलाइज्ड, आइसोलेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ऑटोनॉमस, प्राइवेट, ISM, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी। तो ये क्या है, हॉस्पिटल के टाइप्स हैं। इसको क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। ओके, आप एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। ओके, फोर्थ ईयर में तो बहुत सारा चीज़ इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, आई क्लोज द टुडे। नेक्स्ट हम क्लास फिर से देखेंगे कि कम्युनिटी एरिया पे कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।